हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर सर्च पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्चिंग में एक प्री कंडीशन होती है। बाइनरी सर्च तभी वर्क करेगा जब डेटा यानी उसमें वैल्यू जो हो वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तभी कार्य करेगा। जबकि लीनियर सर्च में क्या था, डाटा चाहे सॉर्टेड ऑर्डर में हो चाहे अनसॉर्टेड ऑर्डर में हो, उसमें चूंकि टारगेट को सिक्वेंसली वन बाई वन कंपेयर करना होता था। यहाँ क्या है, टारगेट को सिक्वेंसली नहीं सर्च करते। इसमें क्या होता है, पूरे एरे को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, पूरे एरे का आधा कर लेते हैं और टारगेट को मिडिल वाले से कंपेयर करते हैं। टारगेट को मिडिल वाले से कंपेयर करते हैं। अगर मिडिल वाला ही मैच कर गया तो आपकी बाइनरी सर्च वहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना होगा उसको हम कर देते हैं। अदरवाइज हम ये पता करते हैं कि टारगेट जो है मिडिल से लेफ्ट में है कि मिडिल से राइट में है। अगर राइट में है तो आधे का आधा करेंगे, फिर आधे का आधा करके मिडिल से कंपेयर करेंगे और ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक टारगेट जो सर्च कर रहे हैं वैल्यू वो मिल नहीं जाती। इसकी डिफिनीशन में क्या, इन दिस मेथड ऑफ सर्च होल एरे इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स, पूरा एरे दो भागों में डिवाइड हो जाता है एंड टारगेट इज कंपेयर्ड विथ मिडिल एलिमेंट। टारगेट को मिडिल वाले से कंपेयर करते हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे और टारगेट को मिडिल से कंपेयर करते हैं। अगर मिडिल वाला ही मैच कर गया तो हम रिक्वायर्ड ऑपरेशन कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो टारगेट है वो लेफ्ट मिडिल वाले के लेफ्ट में है कि राइट में है। अगर राइट में है या लेफ्ट में है फिर आधे का आधा करते हैं, फिर आधे का आधा करके उस आधे के आधे आधे का जो एलिमेंट मिडिल वाला रहा उससे कंपेयर करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक एरे जो है एरे में वैल्यू मिल ना जाए या पूरी सर्चिंग ओवर नहीं हो जाती तब तक करते हैं। यानी इसमें सिक्वेंशली सर्च नहीं किया जाता, इसमें कम टाइम लगता है। लेकिन इसके लिए प्री कंडीशन है कि एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो इसकी सर्चिंग है जैसे बुक का मैं बता रहा हूँ कि एक बुक है उसमें आपको पेज नंबर 100 खोलने के लिए कहा जाए तो आप सिक्वेंसली वन बाई वन पेज नहीं ढूंढेंगे। क्या खोलेंगे आप, थोड़ा सा बीच में खोलेंगे और देख लेंगे। मान लीजिए 80 पेज है, पेज नंबर 80 है तो उसके लेफ्ट राइट साइड में सर्च करेंगे, लेफ्ट साइड में सर्च नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस है क्योंकि आपको ये मालूम है कि पेज वाइज है, बुक क्या है पेज वाइज है, जबकि लिनियर सर्च में बुक को पेज वाइज होना ज़रूरी नहीं है। वही प्रक्रिया है यहाँ पे। तो देखिए एक एरे हमने बनाया, मान लीजिए ए नाम का एरे बनाया है। तो ये देखिए हमने डाटा इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 102 इस तरह से स्टोर किया, या इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर दिए 100, 200, 90, 80 डिसेंडिंग में स्टोर करिए, जंबल्ड में नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए टारगेट हमने ले लिया 100, कि 100 हमें सर्च करना है इसमें है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पूरे एरे का मिडिल निकालेंगे। मिडिल कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को, इंडेक्स को, फर्स्ट क्या है 0 और लास्ट क्या है 11, तो 0 प्लस 11 का हाफ कर देंगे तो मिडिल आ जाएगा आपका 5, मिडिल आ जाएगा आपका 5। अब टारगेट को कंपेयर करेंगे मिडिल वाले इंडेक्स से, मिडिल वाले इंडेक्स से, इससे डायरेक्ट क्या किया हमने, मिडिल वाले इंडेक्स से सर्च किया। यहाँ 5 किस लिए आएगा, ध्यान दीजिएगा इंटीजर है तो पॉइंट में नहीं आएगा, इंटीजर इंटीजर डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट में नहीं आएगा। तो टारगेट को मिडिल वाले इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, लगेगा आपका इफ टी इज इक्वल टू एरे, मान लीजिए ए है तो ए का एम मिडिल, अभी प्रोग्राम नहीं बता रहे हैं तो इससे करेंगे तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम पता करेंगे कि टारगेट जो है क्या मिडिल वाले से बड़ा है, तो टारगेट क्या है 100 है और मिडिल एलिमेंट क्या है 50 है, तो टारगेट इससे बड़ा है। जब टारगेट इससे बड़ा है तो आपका फर्स्ट एलिमेंट को हम कर देंगे टारगेट जिस पे मिल रहा है उससे प्लस 1 यानी 6 कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को 6 कर देंगे, ये 11 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 17 अपॉन 2, 2 8 या 16 क्या आ जाएगा
एट जा 16। अब टारगेट को ए के 8 से, ए के 8 से कंपेयर करें, क्या है 80, क्या है 80, तो वो भी मैच नहीं कर रहा, वो भी मैच नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, टारगेट फर्स्ट को क्या कर देंगे, मिड प्लस 1 यानी अब कर देंगे 9 और ये रहेगा 11। अब मिड निकालेंगे क्या हो जाएगा, 11 प्लस 9 इक्वल टू 20 अपॉन 2, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। टारगेट क्या है 100 और 10 पे, ए के 10 पे यानी मिड ए का 10 क्या आ जाएगा, ए का 10 क्या है 100 और टारगेट क्या है 100, मैच कर गया। तो क्या हुआ, हमारी सर्चिंग समाप्त हो गई। तो इसमें देखिए क्या हुआ, पहले हमने इससे कंपेयर किया, फिर इतने से कंपेयर किया, इसके मिडिल वाले से कंपेयर किया, फिर इसका और इसका आधा निकाला, इसका और इसका आधा निकाल के मिडिल वाले से कंपेयर किया। तो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू सर्च द पर्टिकुलर वैल्यू इन द एरे यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। बाइनरी सर्च टेक्निक के आधार पर पर्टिकुलर वैल्यू को एरे में सर्च करना। तो यहाँ पे हमने किया इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्लास बाइनरी सर्च, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाए, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हमने एरे बनाया 10 का और कुछ वेरिएबल्स लिए हैं जिनको हम बता देंगे लास्ट में किस लिए हैं। अब लूप चलाया हमने 0 से लेस देन एरे ए आर डॉट लेंथ और वैल्यू इनपुट कराया। ये वैल्यू इनपुट कराना मैं बता दिया हूँ कि आपको कैसे वैल्यू इनपुट कराते हैं, एरे में आपकी वैल्यू इनपुट हो जाएगी। और यहाँ पे ये मैसेज ये सुटेबल रहेगा, एरे द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर, ये मैसेज डाल देंगे, ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि एरे में वैल्यू जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालिए या असाइन कर लीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर में। अब तो ये हुआ, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर वाला पोर्शन। तो ये जब लूप चला तो एरे में वैल्यू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो गई। तो मान लीजिए ये एरे आपका बन गया इस तरह से 10 ठो, इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंडेक्स तक हुआ। इसमें वैल्यू आपने डाल दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 असेंडिंग ऑर्डर में हम मान के चल रहे हैं कि वैल्यू यहाँ से इनपुट हो गई। अब यहाँ मैसेज आया इंटर द नंबर टू सर्च, जो नंबर सर्च करना है उसको हमने किस में रीड करा लिया, टी में। तो टी की वैल्यू मान लीजिए आपने इनपुट करा दिया 18 इनपुट करा दिया कि 18 इसमें है कि नहीं। अब यफ नाम का एक वेरिएबल लिया है जो फर्स्ट इंडेक्स को यानी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यल की वैल्यू क्या है, एरे डॉट लेंथ माइनस 1, एरे की लेंथ कितनी आएगी 10 आएगी, 10 माइनस 1 यानी 9, यल की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब लूप चलाया व्हाइल यफ इज लेस देन यल, तब तक लूप चले जब तक यफ की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू यल है। तो सही है यफ यल, तो यफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को और यल जो है इस इंडेक्स को लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने लूप चलाया व्हाइल यफ इज लेस देन इक्वल टू एल, तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा यफ प्लस यल अपॉन टू, तो 0 प्लस 9 अपॉन 2, तो यम की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन 0 प्लस 9 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। अब चेक किया क्या ए आर का एम, ए आर का एम यानी ए आर एरे का एम की जगह क्या आ जाएगा 4, ये लेस देन है टारगेट से। तो टारगेट कितना है 18 और ए आर का 4 कितना है, ए आर का 4 क्या है 10, ए आर का 4 क्या है
ARM यानी AR का 4, AR का 4 क्या है 10, और टारगेट कितना है आपका 18। तो ARM यानी AR का 4 टारगेट से कम है, टारगेट से कम है, तो क्या हो जा रहा है, ये कंडीशन सही है, तो यफ इक्वल टू यम प्लस वन हो जा रहा है। तो यफ की वैल्यू क्या हो जा रहा है, यम प्लस वन यानी 5 हो जा रही है, और यल की वैल्यू आपकी 9 ही रहेगी। ये तो कंडीशन भी चेक करेगा लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इफ इफ लगाए तो ये भी चेक होंगे लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि पहली कंडीशन आपकी सही है लेकिन चेक होगा ये भी, क्योंकि एल्स इफ नहीं लगाया हमने। तब अब फिर से व्हाइल पे जब ये पहुंचेगी, ये इफ का बंद हुआ, ये वाइल यहाँ खत्म होता है, यहाँ जब पहुंचेगा तो फिर से चेक होगा यफ एल से कम है, यफ एल से कम है, कंडीशन सही है, तो फिर से मिडिल निकलेगा यफ प्लस एल अपॉन टू, तो ये 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 9 अपॉन 2 14 अपॉन 2 क्या जाएगा 7, क्या जाएगा 7। अब चेक होगा ए आर का यम, यम की जगह क्या जाएगा 7, तो यानी ए का सेव ए आर का 7 लेस देन है टी से। ए आर का 7 क्या है 16, ए आर का 7 क्या है 16, और आपका टी जो है 18 है, टी क्या है 18, और ए आर का 7 क्या है लेस देन टी, लेस देन टी है क्योंकि टारगेट हमने 18 लिया है, तो ए आर का कंडीशन सही है, तो ये हो जाएगा यफ इक्वल टू एम प्लस वन हो जाएगा, तो यफ की वैल्यू क्या हो जाएगी एम प्लस वन यानी 8 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 9 ही रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 9 ही रहेगी। फिर ये भी कंडीशन चेक होंगी लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से यहाँ चाहेगा यफ लेस देन यल, तो यफ यल से कम है सही है, फिर से मिडिल निकालेगा यम इक्वल टू यफ प्लस यल अपॉन टू, तो 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा 8 प्लस 9 अपॉन 2 ये हो जाएगा 17 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, क्योंकि इंटीजर है तो 17 ये आएगा 17 अपॉन 2, तो इंटीजर है तो पॉइंट में नहीं निकलेगा, मैंने बताया था आपको, बता चुका हूँ 2 8 जब बस 8 आएगा, पॉइंट में नहीं निकालेगा, इंटीजर इंटीजर डिवाइड होता तो इंटीजर में आता है, क्योंकि ये डिवीजन ऑपरेटर है ये क्वोशिएंट निकालता है, तो 8 आ जाएगा। अब चेक करेगा ए आर एम यानी ए आर का 8, ए आर का 8 क्या है 18, क्या है 18, और टी क्या है टी भी 18 है, तो क्या ये कम है ए आर का यम यानी ए आर का 8 कम है टी से, नहीं कम है, कंडीशन गलत हो गई। फिर चेक करेगा कि क्या ए आर का यम टी से बड़ा है, बड़ा भी नहीं है, ना तो कम है और ना तो बड़ा, जब नहीं ना तो कम है, और यहाँ पे चेक कर रहा क्या ए आर का यम यानी ए आर का 8, ए आर का 8 क्या है 18, और टारगेट क्या है 18, तो कंडीशन ये भी गलत है ये भी गलत है, यानी क्या है इक्वल है, यहाँ चेक होगा ए आर का यम ए आर का 8 इक्वल टू टी है, टी के बराबर है ए आर का यम ये, और ये ए आर का एम यानी 8 क्या है, ये भी क्या है 18 के बराबर है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा के इक्वल टू 1 हो जाएगा, के एक वेरिएबल लिया है, के नाम का एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और लूप क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ चेक होगा क्या के इक्वल टू 1 है, के इक्वल टू 1 है सही है, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा टी टी यानी टी क्या हो जाएगा 18 फाउंड एट, इसके बाद क्या हो जाएगा एम प्लस वन, एम क्या है एम आ रहा है 8 8 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 9, 18 फाउंड एट 9, और ये देखिए 9th पोजीशन पे मिल रहा है, 8th इंडेक्स है तो पोजीशन नंबर क्या होगी 9th, एक ज़्यादा बताई जाती है पोजीशन नंबर, तो ये आपका हुआ बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। और ये वाली कंडीशन कब होगी, ये वाली कंडीशन कब होगा जब टारगेट जो है इधर मिलेगा, मिडिल वाले के इधर मिलेगा, तब ये वाला ऑपरेशन होगा,
तो ये आपका हुआ बाइनरी सर्च। अब आपका हम नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रोग्राम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।